जय हिंद एंड वेलकम टू फर्स्ट डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरवैष्णवी सोलंकी और आज हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बारे में। सो एज द नेम सजेस्ट इट विल टोटली बी रिवॉल्विंग अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और एट प्रेजेंट एनर्जी का जो सिनेरियो है ग्लोब में उसमें कौन कौन सी कंट्रीज में क्या क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो 2021 से वर्ल्ड इज फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, ये हमको कैसे पता है? बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जो हमारा मेजर एनर्जी डिपेंडेंस है उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर राइजिंग इन मेनी कंट्रीज। ठीक है, दोज कंट्रीज आर यूके, स्पेन, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक शिफ्ट। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है अब हम ये देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, न्यूक्लियर एनर्जी है हमारा, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक प्लांट, ये सारी चीज़ें, बायोमास एनर्जी भी आजकल सरफेस करने लगा है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड एंड दैट आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, नाउ हमें ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के रीजंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2020 में लॉकडाउन के कारण जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कैसे लॉकडाउन? चलो ठीक है, लॉकडाउन जब आया उसके बाद बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड यू नो कोल वगैरह पर डिपेंड करते थे, तो उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई बिकॉज इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ गई थी इन कोविड, एज यू ऑल नो। आफ्टर द लॉकडाउन लेफ्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है एकदम से बढ़ी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक नहीं था, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। एंड डिमांड एंड सप्लाई, यू ऑल नो, जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बड़ी बट सप्लाई नहीं था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट वाज कॉजिंग पैंडेमिक के कारण, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो देयर वाज अ नेचुरल गैस शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज, ऑयल शॉर्टेज, ये सारे शॉर्टेज हो गए थे। ठीक है, उसके बाद 2021 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने ऐसा बोला कि हम जो है पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल स्पेशली, इनका जो है सप्लाई कांस्टेंट ही रखेंगे ताकि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस ना आए। इन्होंने सिर्फ सोचा कि थोड़ा थोड़ा ही सप्लाई हम बढ़ाएंगे ताकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहे, एकदम से ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिप्लेशन ना आए प्राइसेस में। Several fossil fuel companies argue that the push for the energy transition to renewable energy resources cause a decrease. क्यों? अब देखो एकदम से जो है हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, उसके कारण प्राइसेस में फ्लक्चुएशन तो आएगा। हम पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के अब रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो इट विल कॉज अ डिफरेंस इन द प्राइसेस, है ना। तो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन में ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट अगर इंसान रिन्यूएबल सेक्टर में कर रहा है तो फॉसिल फ्यूल में उसका इन्वेस्टमेंट फॉर ऑब्वियस रीजंस इट विल बी रिड्यूस्ड। तो दे रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल कंपनीज टू कोप विद द प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस। तो उन्होंने बोला कि अब क्योंकि ट्रांजिशन के कारण एनर्जी क्राइसिस हो रहा है तो इसको सही करने का तरीका यह है कि फॉसिल फ्यूल कंपनी में आप वापस इन्वेस्टमेंट करने लगो। बट उसके ड्रॉबैक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल से पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस कंट्रीज आर चूजिंग कि ठीक है एनर्जी क्राइसिस वी विल बी एबल टू हैंडल बट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन अभी थोड़ा कम ही रखते हैं। ठीक है, Even though the share of renewable energy resources is increasing, still मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंस बढ़ रहा है और उसका जो है शेयर भी बढ़ रहा है, बट स्टिल रिन्यूएबल एनर्जी की जो अभी कंडीशन है पूरे ग्लोब में वो ऐसी नहीं है कि आप एंटायर जो है इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे कर लो या पावर शिफ्ट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे कर लो। फॉसिल फ्यूल और इनके प्लांट्स की रिक्वायरमेंट तो अभी भी है बिकॉज द एंटायर शिफ्ट इज नॉट एट कम्प्लीटेड। इंक्रीजिंग कंजम्पशन जो है अब धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ रहा है और वो कंजम्पशन बढ़ने की जो डिमांड की रिक्वायरमेंट है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी से मीट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए फॉसिल फ्यूल प्लांट्स में थोड़ा बहुत करते रहना जरूरी है। ठीक है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन रिजल्टेड इन सेवरल सैंक्शंस ऑन रशिया। तो रशिया पर सैंक्शंस लग चुके हैं, यू ऑल नो दैट, बिजनेस, ट्रेड सैंक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी सैंक्शंस, पेट्रोलियम सैंक्शंस एंड ऑल दिस। तो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर थी वो क्रूड ऑयल की और उसके कारण है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस ऑन रशिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल को एकदम ऐसे नहीं कर देना कि हटा ही दो, थोड़ा बहुत उसमें भी, ताकि ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है वो मीट होती रहे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से हमें बंद नहीं करना है बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची, जब उस लेवल पे पहुंच जाएगी तो हम एकदम से उसको इराडिकेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने के लिए, जैसे सोलर पावर प्लांट लगा ले, हाइडल पावर जो कि चल भी रहा है, बहुत सारे सोलर पैनल लग रहे हैं। एवरी गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर ग्लोब इज वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी को जितना ज्यादा हो सके उतना यूटिलाइज कर सकते हैं हम एनर्जी एफिशिएंट चीजें ही यूज करें, ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस हम कम कर दें और ऐसी चीजों को हम डिमांड में लाएं जो है एनर्जी एफिशिएंट है, जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं करती, जो कि रिन्यूएबल है। तो जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा उधर से सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, प्रिवेंटिंग पावर वेस्ट जो हम करते हैं ना फालतू का, ये इस पे कंट्रोल कर ले तो दैट इज इट, हमारा ट्रांजिशन जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा। और जो इतने ज्यादा प्राइसेस आ रही है, इतने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ रहा है, इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और ये जो डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही लोगों को, ये हम अगर इतनी सी स्टेप्स ले लें तो इट विल बी ऑल सॉल्व। सो इन केस एनी ऑफ दिस थिंग इज आस्क्ड टू यू, प्लीज आंसर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।